हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। टुडे वी विल डू द न्यू चैप्टर, चैप्टर थर्ड, दैट इज द डाटा हैंडलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डाटा हैंडलिंग। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन नंबर्स। डाटा का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो नंबर्स में दे रखे, दैट इज द डाटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्क्स दे रखे आपको, ठीक है, कि फोर बच्चों के मार्क्स जो हैं 8, 9, 3, 5 हैं, ठीक है, तो वो हमें क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है। हैंडलिंग का मीनिंग होता है कि आप उस डाटा को कैसे अरेंज करोगे, ठीक है, किस टाइप में अरेंज करोगे, कैसे इनको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा हैंडलिंग, दैट इज़ द हैंडलिंग। तो इसको हम कहते हैं डाटा हैंडलिंग, की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जो नंबर्स में दे रखी है उसको आपको अरेंज करना है, अंडरस्टैंड। अब इस डाटा को हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले आप मार्क्स लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, मार्क्स, जो मार्क्स आपको गिवन है कि एक बच्चे के 8 मार्क्स आए हैं, सेकंड स्टूडेंट के 9 हैं, थर्ड के 3 हैं, फोर्थ के 5 हैं, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है भी कितने बच्चों के जो मार्क्स हैं 8 आए हैं, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया क्लास में 5 बच्चों के मार्क्स जो हैं 8 हैं, 7 बच्चों के मार्क्स 9 हैं, 1 बच्चे के मार्क्स 3 हैं एंड 1 स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं 5 हैं। तो ये क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं बार बार 8 आ रही हैं या 9 आ रही हैं, ठीक है। एक होता है टैली मार्क्स, ठीक है, टैली मार्क्स हम कैसे लगाते हैं कि जैसे 8 दिया हुआ है, भी 8 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 जो हैं इस लाइन्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4। जब भी आपको 5 लाइन लगानी है तो आप इसको स्लैंटिंग में लगाओगे, ठीक है। अब मैं लिखना है 7, 1, 2, 3, 4, 5 हम ऐसे लगाएंगे, 6, 7, उसके बाद 1, दैट इज 1 अगेन, ठीक है, इसको हम कहते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स हम ऐसे लगाते हैं, तो ये सारी आपकी क्या फॉर्म होगी, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अगर आपको कहा है कि इस डाटा को आप टेबुलर फॉर्म में राइट करो तो आप ऐसे राइट करोगे, पहले मार्क्स लिखोगे, फिर उनकी फ्रिक्वेंसी भी कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, फिर टैली मार्क्स लगाओगे, क्लियर, दैट इज अ टेबुलर फॉर्म। यस स्टूडेंट्स, अब हम टर्म्स करेंगे, जैसे रेंज, रेंज हम किसको कहते हैं, एक है मीन, मीन किसे कहते हैं, ठीक है, जब आप ये कैसे सॉल्व करोगे। रेंज क्या होता है कि कोई भी आपको डाटा दे रखा है, आप में आपने उसमें हाईएस्ट वैल्यू ठीक है माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करनी है, डेट इज़ अ रेंज, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास डाटा दे रखा है मार्क्स का ही हम ले लेते हैं कि 10 में से 5 बच्चों के ये मार्क्स हैं, 7, 9, 2, 5, 3, ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं 9, ठीक है, हम रेंज निकालेंगे, रेंज में सबसे हाईएस्ट मार्क्स डेट इज़ अ 9, माइनस लोएस्ट मार्क्स कितने हैं 2 हैं, तो 2 कितना आ गया 7, तो आपकी रेंज आ गई 7, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे मीन, ठीक है, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, एवरेज, ठीक है, किसी भी चीज़ के आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मीन, ओके, इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं और सिंपली मीन भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन एंड सिंपल मीन, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मीन का, मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। आपने मीन निकाला तो वहां पर फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिए हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, कौन से लिए हैं, फर्स्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने नेचुरल नंबर्स ले लिए और आपको इनका मीन निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं मीन नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देखो सम मींस ऐड करना, ठीक है, सम का मींस क्या, ऐड करना, इन सारी जो ऑब्जर्वेशंस, इनको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, बड़ा जो डाटा दिया होता है ना, ये
इसको हम सिंगल सिंगल को ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं, तो इनको हमने सम करना है। ऊपर आप इनका सम कर दोगे और नीचे डिवाइड में क्या लिखना है आपने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की, ऑब्जर्वेशंस कितनी है काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशंस है, ये डिवाइड में राइट कर लोगे। ठीक है, अब इनको प्लस करके देखो, 5 4 9 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। ठीक है, 15 आ गया सम, नीचे 5 5 3 जा 15, तो आपका मीन कितना आ गया, 3। ओके, ऐसे हम क्या निकालते हैं, मीन, जिसको हम अर्थमेटिक मीन भी कह देते हैं। तो आज आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी इस चैप्टर की, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।